I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel, Suman Digital English Tutorial Videos. Dear guys, today I have brought first practice set based on narrations. This exercise is based on assertive sentences. So let's see what's there in the exercise. Dear guys, 10 direct narrations are visible on the board. First, he said to me, I was ill. Second, he said, I was absent yesterday. Third, the student said, we were reading books. Fourth, he said to me, I was eating rice. Fifth, Ashish said, I was awarded first prize. Sixth, Ramesh said to me, I was a student in the school in which you teach. Seventh, this morning she said, I shall leave for the day today. Eighth, Rashmi said, I did not do the work yesterday. Ninth, Dinesh said, I had 2 cups of nice tea yesterday. And tenth, she says, her father bought a new house. Dear guys, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस साइड में एक एक करके मैं व्याख्या सहित इन सबके आंसर दिखाऊंगा. आप अपने किए हुए से टैली कीजिएगा और देखिएगा कि आपने कितना सही किया और कितना गलत. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डायरेक्ट नरेशन. He said to me, I was ill. Dear guys, said के बाद उसका object दिया है me. तो नियमानुसार इस reporting verb को हम बदलेंगे. Said की जगह पे, said to की जगह पे told का इस्तेमाल करेंगे और हम लिखेंगे, देखिए first है, he told me that. अब इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा लेंगे. I first person का personal pronoun है, इसलिए हम इसे reporting verb के subject ही के अनुसार change करेंगे. Nominated case में तो ही के अनुसार change करेंगे तो I की जगह पे हो जाएगा he. वॉच को हम रिप्लेस करेंगे हैड बीन से. ही हैड बीन इल. तो फर्स्ट का आंसर है ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन इल. दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड आज एबसेंट एस्टरडे. डियर गाइस, यहां सेड का ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे और हम लिखेंगे ही सेड दैट. इसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे और आई सब्जेक्ट के अनुसार आर की जगह ही हो जाएगा. वाज की जगह हैड बीन का प्रयोग करेंगे. एब्सेंट एस्टरडे की जगह हम
द प्रीवियस डे चेंज करके करेंगे। तो डियर गाइस, दूसरे का इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है द स्टूडेंट सेड वी वर रीडिंग बुक्स। डियर गाइस, तीसरा देखें। The student said, said का ऑब्जेक्ट नहीं है और टर्म ऑफ एड्रेस में भी कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे और हम लिखेंगे द स्टूडेंट सेड। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, असर्टिव सेंटेंस है, और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, तो हम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल करेंगे और हम लिखेंगे दे। वर्ब की जगह लिखेंगे हैड बीन। Reading books. Dear guys, चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है, she said to me, I was eating rice. Dear guys, देखिए यहां said का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए हम said को told में चेंज करेंगे और लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में नियमानुसार परिवर्तन करेंगे। आवाज ईटिंग राइस, आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हम यहां थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे ही। वाज की जगह लिखेंगे हैड बीन ईटिंग राइस। डियर गाइस, चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा है, आशीष सेड was awarded first prize. So dear guys, देखिए आशीष से इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, न रिपोर्टेड स्पीच में ही टर्म ऑफ एड्रेस में कोई ऐसी चीज है जिसको हम ऑब्जेक्ट बनाए, इसलिए हम इस सेड को चेंज नहीं करेंगे और हम लिखेंगे आशीष सेड दैट फिर हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में जनरल रूल्स के हिसाब से चेंज करेंगे, तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, आशीष थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आई की जगह पे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करेंगे और हम लिखेंगे ही दैट ही। अब देखिए वाज है तो लिखेंगे हैड बीन, वाज की जगह हैड बीन अवार्डेड फर्स्ट प्राइज। छठवां देखिए, छठवां है, रमेश सेड टू मी आवर स्टूडेंट
इन द स्कूल इन विच यू टीच। देखिए इस वर्ब से का ऑब्जेक्ट दिया गया है मी, तो हम लिखेंगे रमेश टोल्ड मी। क्या लिखेंगे? रमेश टोल्ड मी दैट। अब चलिए रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं। आय ये सेट के फर्स्ट पर्सन का केस और नंबर लेगा, तो आय की जगह पे हो जाएगा ही, वाच की जगह पे हो जाएगा हैड बीन, आई स्टूडेंट इन विच। अब ये देखिए यू सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है और यहां सब्जेक्टिव मूड में है, इसलिए आई का सब्जेक्टिव मूड यहां इस्तेमाल करेंगे, इन विच आर, और टीच का पास्ट टेंस है टॉट, इन विच आर टॉट। तो इसका हो जाएगा रमेश टोल्ड मी दैट ही हैड बीन अ स्टूडेंट इन द स्कूल इन विच आर टॉट। लेट्स सी सेवेंथ। Dear right, seventh है, this morning she said, I shall leave for Delhi, Mumbai. I shall leave for Delhi today. तो हम लिखेंगे, देखिए यहां पे said का object नहीं है, इसलिए हम reporting verb को change नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे दिस मॉर्निंग सी सेड दैट। ये सेवेंथ है, दिस मॉर्निंग सी सेड दैट। अब ये देखिए आर ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का नंबर जेंडर और केस लेगा, तो हो जाएगा सी, दैट सी। अब देखिए शेयर है, सी के अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा, सी वुड, दैट सी वुड लीव फाड़े रही टूडे। डियर गाइस टूडे नहीं चेंज किया जाएगा क्योंकि उसी दिन की बात है। और वो देखिए रश्मि सेठ आई डिड नॉट डू द वर्क यस्टरडे, इस सेट का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेट को बदला नहीं जाएगा और लिखा जाएगा रश्मि सेट है। आगे देखिए रिपोर्टेड स्पीच में I did not do, अब did not do सिंपल पास्ट है, इसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और I को हम रस्म के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे C, तो C had not done, did not do की जगह क्या आएगा had not done, that C had not done the work
the previous day. देर राइज, चलिए नौवा देखते हैं. तो नौवा है, दिनेश सेड आई हैव टू कप्स ऑफ नाइस टी एस्टरडे. अब ध्यान से देखिए, यहां से का न तो ऑब्जेक्ट दिया गया है और न रिपोर्टेड स्पीच में टर्म ऑफ एड्रेस में कोई ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब सेट को नहीं बदलेंगे और हम लिखेंगे दिनेश सेठ डेट. अब चलिए रिपोर्टेड पार्ट देखते हैं. I had two cups of nice tea yesterday. इसका अर्थ है मैंने दो कप अच्छी चाय कल पी थी. यह हैड का मतलब टुक से है, तो हम लिखेंगे आई को दिनेश के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे ही. यह हैड पास्ट टेंस की वर्ब है, सिंपल पास्ट. हैव का वी टू है, इसलिए हम इसे परफेक्ट में चेंज करेंगे. तो ही हैड क्या लिखेंगे, ही हैड हैड. हैड का पास्ट परफेक्ट है, हैड हैड पास्ट परफेक्ट. तो ही हैड हैड टू कप्स ऑफ नाइस टी एस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे. Dear guys, now 10th. She says her father bought a new house. ध्यान से देखेंगे तो से का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है और न ही रिपोर्टेड स्पीच में टर्म ऑफ एड्रेस के रूप में है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सेज को चेंज नहीं करेंगे. और ये वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी नहीं चेंज होगा. और रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा प्रोनाउन भी नहीं है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिमेन अनचेंज्ड, बदला नहीं जाता है, इसलिए हम इसको सीधे सीधे सेज दैट हर फादर बॉट ए न्यू हाउस. सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट से जोड़ देंगे और हम लिखेंगे 10th. She says that her father bought a new house. Dear friends, I hope you must have enjoyed this video lecture. Watch this video again and again to consolidate your confidence. Dear guys, I will come with another exercise from nationalized books tomorrow or in the next video lecture whenever it's taken. Thanks for watching. Bye.